तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए लेटेस्ट क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का, उसके सॉल्यूशन को। इससे पहले सपोर्ट मटेरियल में जो लास्ट में सैंपल पेपर दिया गया था वो भी मैंने अपलोड कर दिया, सॉल्व कर दिया, उसको भी देख लो। साथ में जो आपका मिडटर्म हुआ था उसका आंसर मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट दोनों का, और जो मिडटर्म का प्रैक्टिस पेपर था उसका भी आंसर अपलोड है। कमेंट चेक कर लो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि फाइनल में फुल सिलेबस आएगा जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो कमेंट देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेक्शन ए, खंड आ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विसरण की दर अधिकतम होगी। सेम पैटर्न ऐसे ही होगा पेपर में, ध्यान रखना। तो जो विसरण की दर है किस में अधिकतम का मतलब ज़्यादा होगी, ठोस में, सॉरी द्रव में, ठोस में ए और बी दोनों, या फिर गैस में। तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन राइट है, गैस में यानी गैसेस, ठीक है। अगला, क्वेश्चन टू, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस, 120 यानी 120, 0 डिग्री या फिर 120 से अधिक, 120 से अधिक। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला, सोडियम तत्व का सही प्रतीक है Na, Sa, Na, S। तो N के साथ स्मॉल a होता है, यहाँ पर कैपिटल दिया है, गलती मत कर देना, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन फोर, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, सोडियम पर धन आवेश और क्लोराइड पर ऋण आवेश होगा, तो डी ऑप्शन राइट होगा, धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला, अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है। तो यहाँ पर सेकंड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी पर लगाओगे, सेकंड और फोर्थ ये राइट है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, ये राइट है, क्लियर है। अगला, सिक्स, परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर हम, कितना है परमाणु संख्या 14, अगर इसको हम के एल एम एन में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8, तो 8 2 10 हो गया, ठीक है। तो बच कितना रहा है, 14 में से 10 निकाल दो 4, तो अगले में आएगा 4, तो 4 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 4, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है। बड़े कोशिका की, सॉरी, बड़े आकार की रसधानियां कोशिका में अपर्याप्त स्थान, छोटे आकार की रसधानियां, या फिर इनमें से
इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, बड़े आकार की रस धानियाँ, ठीक है, बड़े आकार की रस धानियाँ, इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन लगा दो ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन एट, जैंथियम और पार्थेनियम उदाहरण है कीटनाशक का, रोग का, रोगजनक का, या फिर खरपतवार का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, खरपतवार का, वीड्स, ओके। अगला कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, रक्त, उपास्थि, चिकनी पेशी, अस्थि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, चिकनी पेशी। अगला ध्वनि तरंग की चाल वी होती है, तरंग दैर्ध्य इसको हम लैम्डा बोलते हैं, और आवृत्ति के बीच संबंध है, यानी कह रहा है कि चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच कौन सा संबंध है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो संबंध उसका फॉर्मूला होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन 11, पशुपालन किसके लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मांस उत्पादन में वृद्धि, कृषि कार्य, या फिर अंडा उत्पादन में। तो ये तो गलत है, फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, ठीक है। अगला 12, स्वर यानी नोट हैं, एकल आवृत्ति की ध्वनि, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि, दो आवृत्ति की ध्वनि, या फिर सुनने में अप्रिय। तो ए ऑप्शन राइट है, एकल आवृत्ति की ध्वनि, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन 13, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता, किसकी व्याख्या नहीं करता, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता खींचता है इसकी व्याख्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसकी भी व्याख्या करता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार इसकी भी व्याख्या करता है, ज्वालामुखी उद्भेदन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है कहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पैरेन्काइमा, ए ऑप्शन राइट है, यहीं पर होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन राइट है। अगला 15, जो एक त्वरित गति नहीं है, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए और बी दोनों वर्तुल गति। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बना, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा, क्लियर है। अगला एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबा कर रखा, कुछ दिनों के बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी, इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है कौन सा है, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट, पार्श्व, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, ठीक है ना, क्लियर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 17 से 20 कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन हैं, ए बी सी डी में हमको आंसर देना है। अगर ए आर यानी दोनों लाइनें सही हैं, दूसरी लाइन मतलब रीज़न मतलब कारण, ऊपर वाली लाइन यानी अभिकथन की व्याख्या करेगा, तो ए लगाएंगे। दोनों लाइन सही हों, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करें, तो बी लगाते हैं। अगर पहली लाइन सही हो दूसरी लाइन गलत हो तो सी लगाते हैं, अगर पहली लाइन गलत है तो डी लगा दो, दूसरी लाइन पढ़ो ही मत। फिर से देखो, दोनों लाइन सही हो दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करें तो ए लगाओगे, दोनों लाइन सही हो दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करें तो बी लगाओगे, अगर पहली लाइन सही है दूसरी गलत है तो सी लगाओगे, अगर पहली ही गलत है तो डी लगाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अभिकथन, जब प्रकाश की किरण एक क्लोराइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, देखा जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि क्लोराइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। ये भी सही बात है, वो किरण को फैला सकते हैं ना, इसी कारण उसे देखा जा सकता है टिंडल प्रभाव को। तो मतलब दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी कर रही है, तो क्या लगा दोगे, ए। ठीक है, अगला ए क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र यानी क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आर, लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। ये भी सही है, और ये तोड़ सकने में सक्षम है इसीलिए क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें भी दोनों लाइनें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है यानी कारण है, तो ए यहाँ पर भी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 ए, एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। बिल्कुल सही बात, तेज है तो काटेगी ही। फिर आर कह रहा है प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात, और जब वो कार्य करेगा उसी क्षेत्र पर तो आसानी से काटेगी ना, दोनों बातें। तो ये भी इसका एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट हैं राइट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए होगा। अगला 20 ए, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। आर, खेत में अवांछित, ये बिल्कुल सही बात है, खरपतवार फसल के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो पोषण जो उनको मिलता है फसलों को वो खरपतवार ही खींच लेते हैं, तो हानिकारक हैं। कह रहा है खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो बिल्कुल सही बात है, फालतू के जो पौधे उगेंगे खरपतवार, तो सीधी सी बात है वो फसलों को जो पोषण तत्व मिलेगा ना उसको वो भी खींच लेते हैं, तो दोनों बात सही है, और इसीलिए खरपतवार हानिकारक हैं। तो मतलब इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए, सेक्शन भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक सेक्शन ए की प्रैक्टिस करो, और जो सपोर्ट मटेरियल का प्रैक्टिस पेपर दिया गया था लास्ट में सैम्पल पेपर, वो भी अपलोड है, उसको भी देख लो, प्रैक्टिस कर लो, और मिड टर्म पेपर प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कर लो, कमेंट में लिंक पेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।